हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जय बालाजी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस। ये देखिए, मैंने येलो कलर की ऊन ली है और ये 12 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। आज हम न्यू पैटर्न में बनाएंगे। ये देखिए, चोली मैंने बना के रखी है। ये देखिए, ये हमने 14 चैन बनाई थी और ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं। पहली रो के अंदर और फिर दूसरे राउंड के अंदर हमने 1 चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट किया है, तो ये हमारे 24 डबल क्रोशिया हो गए। और ये फ्रंट के लिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई है, 1 चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, 4 चैन स्किप की है। और बैक के लिए 8 डबल क्रोशिया और फिर से 4 चैन स्किप की है और 4 फ्रंट के लिए डबल क्रोशिया। और अगला राउंड मैंने लगाया 1/2 डबल क्रोशिए का, ये देखिए। और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैंने इसे अटैच कर लिया है। और अगले राउंड के अंदर 1 चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये मैंने राउंड कंप्लीट किया है। ये यहाँ से हमारा घेरा शुरू हो गया है। अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चैन बनाएंगे और 1 चैन स्किप, 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर 1/2 क्रोशिया, इसी चैन के अंदर फिर से 1 बार 1/2 क्रोशिया, 3 चैन, फिर से 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरी के अंदर 2 बार 1/2 क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हमने 3 चैन बना ली है। अब जहाँ से हमने शुरू किया था, 1, 2, 3 चैन बनाई थी, इस तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। 2 चैन बनाएंगे, एक चैन और ये वाला जो 1/2 क्रोशिया है, ये देखिए, जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस 1/2 क्रोशिया के अंदर हमें 7 बार 1/2 क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 7 बार 1/2 क्रोशिया हो गए हैं। अब इसे ऐसे मोड़ेंगे और ये वाला 1/2 क्रोशिया, ये जो हमने शुरू में बनाया था, ये देखिए, ये वाला 1/2 क्रोशिया ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर 7 बार 1/2 क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये हमारे 7 बार 1/2 क्रोशिया हो गए हैं। और अब इसे ऐसे टर्न करेंगे एक, दो और तीन, चार और पाँच, 5 चैन बनाने के बाद फिर से ये देखिए, ये जो 2 हमने 1/2 क्रोशिया बनाए थे, ये वाला नहीं उठाना है, ये वाला 1/2 क्रोशिया उठाना है और ऐसे 7 बार 1/2 क्रोशिया फिर से इसके अंदर बनाने हैं। ये हमारे 7 बार 1/2 क्रोशिया हो गए हैं। अब इसे ऐसे करेंगे और ये वाला जो 1/2 क्रोशिया है, इसको ऐसे उठाएंगे और इसमें 7 बार 1/2 क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
और ये सात, सात बार डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसे ऐसे फिर से टर्न करेंगे, पांच चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, और हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे पांच चैन बनाएंगे। जहाँ से हमने ये राउंड शुरू किया था, ये देखिए यहाँ पे हम इसे अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए ये ऊपर वाली चैन छोड़ देंगे और ये जो नीचे वाली चैन है यहाँ पे, यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और तीन चैन बनाएंगे। और ये जो चैन है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन, चार, पांच, से हमें छह डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे हमें ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए हैं, छह और सात, सात डबल क्रोशिया हो गए। अब अगली चैन के अंदर हमें सात डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए फिर से हमें अगली चैन के अंदर सात डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इसी तरह से ये ऊपर वाली चैन हम छोड़ देंगे और ये जो नीचे वाली सारी चैन है इनके अंदर, ये देखिए ये वाली सात सात डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अभी हम इसे, ये जो हमने तीन चैन बनाई थी यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। तीन चैन बनाएंगे, अब हम सिंपल राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, अब इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और तीन चैन,
फिर से दो डबल क्रोशिया, दो चैन स्किप कर देंगे, एक दो, और तीसरी चैन के अंदर फिर से दो बार डबल क्रोशिया, जैसे हमने पीछे कंप्लीट किया था अपना पैटर्न वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तीन चैन, फिर दो चैन स्किप, और तीसरी चैन के अंदर फिर से दो बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और ये वाला राउंड जैसे हमने कंप्लीट किया था, ये भी पैटर्न सेम होगा हमारा। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, और हमने इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया है। अब हमें फिर से वही पैटर्न, ये वाला डबल क्रोशिया उठाना है और इसके अंदर सात डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारे सात डबल क्रोशिया हो गए हैं, इसे टर्न करेंगे और फिर से ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे और सात बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमारा सात बार डबल क्रोशिया हो गए। अब इसे ऐसे करेंगे और पांच चैन बनाएंगे। और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी सेम पैटर्न से हम चारों तरफ अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करते हैं। आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए अपना घेरा बना लीजिए। ये देखिए ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया है, और जहाँ से हमने ये शुरू किया था राउंड, यहाँ पे इस चैन के अंदर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, और ये धागा कट कर देंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है, और धागे से हमने ये वाले मोती अटैच कर ली हैं। आप चाहे तो धागे से या फिर पेस्टिंग से ही मोती पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।